बात करते हैं पहले एशियाई बाजारों की शुरुआत से और इस पर देखें तो काफी मिला जुला कारोबार होता ही दिखाई दे रहा है हालांकि निफ्टी निफ्टी हरे निशान में है है करीब 50 अंक ऊपर कारोबार कर रहा हांगकांग के बाजार हल्के हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं इस वक्त तो और निके के बाजार भी ला, लाल निशान में माफ कीजिएगा हॉन्गकॉग का बाजार लाल निशान में है और निके के बाजार भी इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं तो काफी मिला ट्रेंड देखने को मिल रहा है लेकिन निफ्टी की शुरुआत सत्रह के ऊपर देखने को मिल रही है है कल के मार्केट में हमने देखा था कि वीकली एक्सपायरी भी थी तो उसने हाथ से उतर चढ़ाव बना रहा लेकिन अहम सपोर्ट लेवल को मार्केट ने नहीं तोड़ा अब देखना होगा कि आज जो रिकवरी हम ग्लोबल मार्केट में देख रहे हैं भारतीय बाजार उस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी है तो किस तरह की पोजिशन लेके जानी चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं इस वक्त और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ मानसी गुड मॉर्निंग बताइए संकेत कैसे है बाजार तो अभी आप बात कर ही रही थी मिले जुले संकेत

बाद ये तेजी जो है वो अच्छी रही क्योंकि शुरुआत जो है महीने की अच्छी आ, काफी हद तक होती हुई नजर आई अब आइए यूरोप

पर देखने को मिल चुकी है चाहे फिर घरेलू बाजार हो या फिर विदेशी बाजार हो कच्चे तेल की चाल में बिखवारी का दबाव यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है डॉलर इंडेक्स 109 के आसपास बरकरार है तो वहीं 10 साल के यूएस बॉन्ड डील की अगर बात करें 3.2 परसेंट के आसपास एक फ्लैट ट्रेंड यहाँ पर आप जरूर देख पाएंगे तो इस पर खास तौर से नजर रखें इसके अलावा अगर कमोडिटीज में आप देखेंगे बुलियन मार्केट में वॉलीटाइल एक्शन जरूर देखने को मिल रहा है सत्रह डॉलर के नीचे गोल्ड में हमने एक डाउन ट्रेंड पैटर्न जरूर देखा है मार्जिनली रेट हाइक फ्यस हैं जो कि काफी

वहां पर हमारी नजर आएगी और उस पर बाजार रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है लेकिन फिलहाल संकेत जो है, वो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं तो, तो कैश मार्केट बिकवाली हुई है सेलिंग देखी उनकी तरफ से, और बाईस सौ नब्बे करोड़ की बिकवाली देखी गई है एफ कैश मार्केट में DIS ने की अगर बात करें तो करीब नौ करोड़ की खरीदारी वहां पर डीआईएस ने की है इंडेक्स फ्यूचर में चार हजार एक सौ नब्बे करोड़ के पास की बिकवाली हुई है और ऑप्शन में भी हाँ पर खरीदारी का ही आंकड़ा देखने को मिल रहा है तो ये कुछ आंकड़े हैं एफ और डी के आंकड़े जो कि हम आपको बता रहे थे आ, कल हमने देखा कि बिकवाली हावी थी एफ की तरफ से इसी वजह से हम देख रहे थे कि कुछ कमजोरी भी यहाँ पर भारतीय बाजारों में भी देखने को मिली अब